पापा क्या हुआ? भैया डॉक्टर को बुलाओ ना आप। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, वो भी पचन लाल के चूरन खाने से ठीक हो जाता। फालतू में तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर आए हो। अरे लड़की के दिए हुए जख्म यहाँ ठीक नहीं होते। ये प्यार में क्यों होता है? अरे बाबा सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं होता है। अरे एक बात कितनी बार समझाऊं, सिंगल होना बीमारी नहीं है। मिस्टर मुकेश, डॉक्टर साहब का केबिन कहाँ है? सीधे से राइट। दादाजी आप लेट जाइए। सिद्धार्थ इनका बुखार चेक करो। नाम बताइए। मुकेश शर्मा। सिद्धार्थ बेटा ऐसे चेक करोगे बुखार? जरा दिमाग लगाओ। सिद्धार्थ। हाँ बुखार तो है थोड़ा। काम करो, तुम बोल रहे दो, तुम है ना हार्ट बीट चेक करो, ठीक है? बॉडी पेन भी है, पेन बहुत ज्यादा है। सिद्धार्थ कर रहा है पेट चेक कर रहा है, सीना क्या डॉक्टर सर? इनका दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सिद्धार्थ तुम है ना बोल रहे दो, तुम है ना हाँ ये बीपी चेक करो। अरे अभी मेरी जान ले लेता, कुछ कुछ नहीं हुआ दादाजी। सिद्धार्थ तुम बाहर वेट कर। पागल हो क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए दादाजी, आप लेट जाइए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, लेट जाइए। ले सर वो इंजेक्शन लगवा देता। अरे आप, अरे 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 कुछ मत बोलिए, बेचारा नया है, डोनेशन वाला है ना। पापा ठीक तो है ना? मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, तब तक आप इन्हें एडमिट करवा दीजिए, ठीक है? सब लोग ऐसे क्यों रुके? चाचा पोछा मार रहे ना तो जा नहीं सकते। मुझे तो बस उस तरफ एडमिट मरीज की चिंता हो रही है, जो बेचारा जिंदगी और मौत से अकेले लड़ रहा है। आप उनके रिलेटिव हो? नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, वो बेचारा अकेले लड़ रहा है। मेरे पास एक टेक्निक है। सुध भाई तुम बहुत मस्त काम करता है, सब लोग डॉक्टर लोग को थैंक यू बोलता है, तुम कचर पट्टी उतारा तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। तुम बहुत मस्त काम करता है मकसूद भाई। बस कर पगले, रुलाएगा क्या, काम करने दे मुझे। साला इस जादू की झप्पी का कुछ करना पड़ेगा, और मेरा नाम तो सोहेल है, मकसूद नहीं। अरे आजी, सॉरी 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 आजी, आप तो काफी फिट हो गई हो, आप कम से कम 90 साल जियोगे। अरे बेटा मैं तो कल ही 90 साल की हो गई। नर्स आपने टिफिन में क्या लाया? आजी मार डाली। ग्रेविटी। मुकेश। अरे छोटे चाचा जी। तू कब आया? क्या हो तुम यहाँ, कैसे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा थोड़ा सा गैस हुआ है, और ये लोग मुझे एडमिट कर दिए। अभी ठीक है ना? हाँ बिटिया इधर। साइलेंस, बाहर जाइए सबके साथ, पेशेंट के पास सिर्फ कोई एक रुक सकता है। दादाजी सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए, लीजिए छोड़िए नाक से। डॉक्टर कुछ दवाई वगैरह? दवाई
हाँ है ना, ये लीजिए ये दवाई, इन्हें जिंदगी भर खानी है। पर ये तो सिर्फ चार गोली है। तो जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जबा न आए। अरे टेंशन मत लीजिए आप, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अरे देखिए जब टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं इनको दवाई दे दूंगा, ठीक है? चलो अरे अनुराग, तूने मुकेश को सरकारी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया? इलाज तो कहीं भी करवा लो, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने आपको केबिन में बुलाया। मेरा दोस्त भी डॉक्टर है। अच्छा, हीमोग्लोबिन भी बड़ा है और आरसीबी का स्कोर भी कम है। मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली। देखिए आपके पिताजी को अपेंडिसाइटिस है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अरे डरिए मत, जो डर गया समझो मर गया। क्या बोल रहे हो डॉक्टर? अरे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ आपको, वो जाके फार्मेसी से लेके आइए आप, ठीक है? मैडम ये दवाइयाँ दे दीजिए। ये सब तो दवाई है, ये नीचे क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं, बस लिखा है कि ग्राहक ही भगवान है। कितना हुआ इन सब का? 2500 ओनली। अरे क्या हुआ, खाने की जा रहे पापा को? आपके पिताजी का अपेंडिक्स बढ़ गया है, मुझे तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। शालिनी डॉक्टर खतरा कहाँ है, मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। सर डॉक्टर खतरा का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करते पापा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। कोई फायदा नहीं, इनका अपेंडिक्स अगर फट गया तो इन्फेक्शन सारी जगह फैल जाएगा, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर खतरा। सर मैं आपको असिस्ट करता हूँ। ओह नो सिद्धांत, शाबाश, कम ऑन बॉय, लेट्स डू इट। भैया माफ कीजिए। ये तो जिंदा है। अरे मैं कह रहा था कि माफ कीजिए, हमें ऑपरेशन में 7.5 मिनट ज्यादा लग गए। क्या डॉक्टर बन गया यार। गुड वर्क डॉक्टर सिद्धांत। तुम लोगों को पता मैं ऐसे टेंस सिचुएशन में शांत, काम, कंपोज्ड कैसे रहता हूँ?
क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स है। पेशेंट 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 अरे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, जस्ट स्लीप स्लीप मॉनिटर चालू, जिंदा रहो।